खबर शामिल करते हैं रायवंड से। मक्कू वाली झलार में उबलते गटर वबाले जान बन चुके हैं, कारोबारी जिंदगी तातुल का शिकार है। इकबाल जोन इंतजामिया की गफलत और दानिस्ता लापरवाही के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज बन गई। एहतजाज करने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। न्यूज लाइट के नुमाइंदा मलक आसफ की रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल जोन इंतजामिया के अमला की जानिब से सफाई की दानिस्ता गफलत और लापरवाही से सेवरेज के इंतहाई नाकस इंतजाम के बायस मक्कू वाली झलार में निजामे जिंदगी तबाह होकर चुका है। गटरों के ढक्कन ना होने की वजह से गलीज पानी उबल कर गलियों में फैला हुआ है और रफ्ता रफ्ता घरों में दाखिल होना शुरू हो चुका है। शहरियों को घर से बाहर निकलने में भी सख्त मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से स्कूल और मसाजिद जाने वाले तलबा व तालबात, नमाजी और ताजर बेहद तकलीफ और परेशानी से दोचार हैं। गुज़श्ता रोज सैकड़ों शहरियों ने परेशान कुन मौजूदा सूरत हाल पर इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, जिसमें बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की तादाद भी शामिल थी। उनका कहना था कि एसी रायवंड और इकबाल जोन के अफसरान को कई बार गटरों की सफाई सुथराई के हवाले से दरख्वास्तें दी हैं, मगर इकबाल टाउन और एसी रायवंड ने कोई अमल दरामद ना करवाया, जिसकी वजह से आज हमारे मोहल्ला मक्कू वाली झलार की गलियों में गटरों का पानी नहरों की शक्ल इख्तियार कर चुका है और मोहल्ला में बदबू और ताफून के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। अवाम ने आला हुकाम से अपील की है कि मोहल्ला मक्कू वाली झलार का सेवरेज का निजाम दुरुस्त करवाया जाए।